का एक मामूली सा इंसान दयाल सिंह आज ठाकुर दयाल सिंह बन गया। न जाने कितना खून खराबा करने के बाद इसने सियासत को हासिल किया। इसके दो बेटे हैं, एक अजीत सिंह, कानून का रखवाला होते हुए भी कानून का दुश्मन, और दूसरा इस शहर का सबसे बड़ा डॉन विक्रम सिंह। सब ठीक है ना? Everything fine सर। Okay। पूरा शहर बंद है, सड़क पे एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, और आपके कहे अनुसार 5-10 लोगों को चिंता चला दिया है। शादी ने अपेंडिक्स है, इनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन चारों तरफ तो खून खराबा हो रहा है। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, ट्रैफिक बंद है, चौराहे पर तो गाड़ियां जला रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है। इनका दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे इनको अस्पताल ले जाना जरूरी है। इन्हें तो एक ही आदमी बचा सकता है। पता नहीं बंद है, गाड़ी के साथ में भी उड़ा देंगे। उतरो। सोच क्या रहे हो? उड़ा दो साले को। जब जब होता है जुल्म का हादसा, तब तब जन्म लेता है लाल बादशाह। जितना आपका ये लगड़ा लूला पाउच है, ये उबला हुआ आलू नहीं कुचल सकता, हमको क्या कुचलेगा? काहे इन लोगों का जिंदगी खराब कर रहे हैं? बोल लीजिए, संभालिए अपना इस खिलौना को, रात को मच्छर मारने में काम आएगा। ए, देखे ये क्या है, रोज रोज का नाटक है लाल सिंह? आज फैसला हो ही जाए। अब फैसला जब मर्जी चाहिएगा हो जाएगा, वक्त भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, लेकिन इस वक्त तो हमको जाने दीजिए। हमारी गाड़ी में एक तो बुढ़िया माई बैठी है, बहुत बीमार है, उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर जाएंगी। मरने दो, हमारे मरने वालों की लिस्ट में एक और इजाफा हो जाएगा। इजाफा नहीं नुकसान। कितनी बार टकराए आप हमारे साथ, हमेशा नुकसान ही हुआ है आपका, कभी फायदा हुआ है? चलिए टाइम बर्बाद कीजिए, जाने दीजिए हमको, चलिए। अरे सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो भाई, पल्लू की भी सुनो। तुम्हारा फन तो उसी वक्त टूट गया था जब लाल बादशाह रोड पे निकल आए थे। देखना चाहते हो? उधर देखो, मेरे पिछवाड़े देखो। रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए। हाँ आ जाओ, आ जाओ, संभाल के भैया, संभाल। ओह तो आप हैं लाल बादशाह? फिर क्या मारिएगा? ले जाइए इनको यहाँ से। Oh.
नमस्कार करते हैं हजूर। योर ऑनर, लाल बादशाह ने पूरे इरादे के साथ बड़ी बेहरमी और बेदर्दी से समाज सेवक जब्बर सिंह का कत्ल किया है। वो समाज सेवक जो इंसानों को उनके जीने का हक दिलाता था, गरीबों के दुख दर्द में काम आता था, उस इंसान को जिंदगी से घसीट करके मौत के अंधेरे में इसने फेंक दिया है। योर ऑनर, यह कत्ल इंसानियत के दामन पर शर्मिंदगी का ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस जुल्म के लिए लाल बादशाह को ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो दुनिया के तमाम मुजरिमों के लिए एक इब्रत हो, एक सबक हो। वाह वकील साहब, वाह! इतना जोश और खरोश के साथ अभी आप बोले हैं, इतना धुरंधर स्पीच दिए हैं कि किसी भी बेगुनाह को आप फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे। देखिए, हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं आपको। ये जॉन जबरवा मरा है, ये इंसानों के लिए जिंदगी नहीं मौत का सामान था। इसकी हरकत से न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ दिए हैं, जानते हैं? न जाने कितनों का जनाजा निकल चुका है, कितनों का अर्थी उठ गया है, कुछ मालूम है आपको? बस ससुर हमको कहीं गली में दिख जाए तो उसका सीने में गोली दाग देंगे हम। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। किया हो तो ना। ये जुमले बोल के तुम कानून और अदालत को गुमराह नहीं कर सकते लाल सिंह। सरेआम तुमने जब्बर सिंह की हत्या की है। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि हमने सरेआम सरे बाजार हत्या की है, और 10-20-50 आदमी तो हमको देखा होगा। और चलिए 10-20-50 छोड़ दीजिए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। हर बार तुम गुनाह करके बच जाते हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देता ही नहीं है। बताओ हम क्या करें हुजूर? अब बात करने से कहीं कोई कानून बनता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। वकील साहब की तरह किताब पढ़े हैं कानून पे, एक आध किताब हम भी पढ़े, हमको भी मालूम है। जानते हैं, जब तक गवाह इस कटघरा के अंदर खड़ा होकर के हुजूर से नहीं बोलेगा कि मिलाड, हमने अपनी आंखों से लाल बादशाह को कत्ल करते हुए देखा, हम चश्मदीद गवाह हैं, तब तक हम सिर्फ मुलजिम हैं, मुजरिम नहीं। हाँ, अगर हम खूनी साबित कर दिए जाए तो हुजूर बोलेंगे कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत लाल बादशाह को मुजरिम करार देती है और ताजिरात इंतफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। उसके बाद खुशी से हम फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेंगे, और जब गवाह नहीं है तो फांसी का फंदा हम कहां डालेंगे, बोलिए। ऑर्डर ऑर्डर। अब बोलिए, हमारा मुख क्या ताक रहा है? 2 घंटे से खड़ा खड़ा वहां भाषण दे रहा है, और ये टिपी टिपर ये टाइपराइटर चला रहा है, कोई गवाह नहीं ला रहा है। कहिए बोलो जी, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आप हमेशा ठीक कहते हैं। तो हिलते कहां है? कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण अदालत लाल बादशाह को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। नमस्कार करते हैं हुजूर। लाल बादशाह कर रहा है लाले? मारा मारी के रास्ते से छुटकारा क्यों नहीं ले लेता? और कैसे छुटकारा ले ले? और जितना बेबस मजबूर लोग है, इन पर अत्याचार होता रहे और हम देखते रह जाएं, हमारा तो खून खौलने लग जाता है। लेकिन वो औरत तेरी लगते क्या थी? अब मानिए तो हर कोई अपना, ना मानिए तो सारा जग बेगान। पर बेटे, किस किस के दुख तू बांटते फिरेगा? और जितना दुख बांट सकेंगे सब बांटेंगे माँ जी। जिंदगी अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के काम आए, वही तो जिंदगी है। पर दूसरों के दुख बांटते बांटते अगर तुझे कुछ हो गया तो? ओहो, अब जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमको कुछ हो सकता है। चलते हैं। अर्ष अर्ष माँ जी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बेटे, लेकिन डर लगता है अगर तुझे कुछ हो गया तो उस माँ को क्या जवाब दोगी जिसका तो खून है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ये है मिस्टर रोनाल्ड। हेलो। और ये है मिस्टर माइकल। हेलो। जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ हाँ, नाम तो मैंने इनका बहुत सुना है, लेकिन हमें हथियार बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए, क्या ये उतना हमें दे पाएंगे?
अजी हथियार तो ये आपको इतना दे देंगे कि उनको चलाने वाले और मरने वाले कम पड़ जाएंगे, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। वो क्या? इनको एडवांस कैश में चाहिए। कैश इज नो प्रॉब्लम। व्हेन विल यू बी एबल टू गिव अस दीज आर्म्स? व्हेन विल बी एबल? आई थिंक बाय 17th, बाय 17th ऑफ नवंबर। 17th नवंबर। हमारे सामने से हट जाओ वरना। नहीं 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 नहीं, क्या बोलता है तू? मेरा यकीन कीजिए सर। पागल हो गया ये, सुना तुमने? पागल हो गया है, कहता है हमारा सारा माल आदमियों समेत ब्लास्ट हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता, समझे? कभी नहीं। मगर ऐसा हुआ है। क्या हुआ है? हाँ? बोल। हमारा सारा माल ब्लास्ट हो। नाम, नाम क्या उसका? बोल, बोल मुझे। नाम क्या है? लाल बादशाह। मुझे अच्छा नहीं लगता। पिटाना होगा, पिटाना होगा। हाँ, आ जा भैया, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। आपकी इस नजाकत पे हमको एक शेर याद आ गया, अब सुन लीजिएगा तो अच्छा होगा। सुनाओ, 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 कि जैसे प्याला होंठ को तरसे, जैसे भिखारी कोट को तरसे, जनता जैसे नोट को तरसे, नेता जैसे वोट को तरसे। लाल जी है नेता लगा। कि जैसे जुआरी गोट को तरसे, जैसे मांझी वोट को तरसे, वैसे ही ये लाल बादशाह दिन आक दिन आक दिन दा 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 दे छोड़ दे काल का मेल। मंगाऊ पलना हो पूरा सपना, झूले मुन्ना और मुनिया।
चढ़ाई दे हमका बिखड़िया चढ़ाई दे मंजीरा बाजे तंबूरा बाजे जमूरा नाचे नवा खपरेला छबाब रे नहीं बहुआ घर आवे नवा खपरेला छबाब रे नहीं बहुआ घर आवे कहाँ गए गाना सत्र कहाँ गए कहाँ गए दूल्हा के मौती दूल्हा के चाची नहीं रे पालंगिया कसाब रे नहीं बहुआ घर आवे नवा खपरेला छबाब रे नहीं बहुआ घर आवे मंजीरा बाजे तंबूरा बाजे जमूरा नाचे हाँ मौसी थोड़ा वहां भी गा दे तो अच्छा होगा वाह 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 बस मस्ती हो गया वहां बस पटाइले पटाइले हमका तू गोरिया पटाइल लड़ाइले लड़ाइले हमसे नजरिया लड़ाइले जवानी की ये धूप गजब तोरा रूप जैसे आरा की आरी क्या तानी बंदू निशाना है अचू गोली सीने पे जागी छगन लाल का छोरा देखो मगन लाल की छोरी बीच बजरिया नाना लड़ गए हो गए चोरा चोरी ले नचाइले हाँ नचाइले लट्टू सा हमका नचाइले 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 लट्टू सा हमका नचाइले मंजीरा बाजे तंबूरा बाजे जमूरा नाचे मंजीरा बाजे तंबूरा बाजे जमूरा नाचे मंजीरा बाजे तंबूरा बाजे जमूरा नाचे पटाइले पटाइले हमका तो कोरिया पटाइले लड़ाइले लड़ाइले हमसे नचरिया लड़ाइले कालिया तू है दादा मुझे माफ कर दीजिए माँ की तबीयत बहुत खराब है इलाज के लिए पैसे नहीं थे इसलिए मैंने आपके नाम की सुपारी ले ली सुपारी हमको मारने के लिए सुपारी ली है कितने रुपये की 3 लाख रुपए की दादा 3 लाख हाँ हमारा जो दुश्मन है उनसे जाकर के बोलिएगा कि कितना साल से है रेट पर चल रहे हैं हमारा स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा रेट बढ़ाने को बोलिए इतना कम दाम पे हमारा बहुत इंसल्ट होता है ओ किरण मेम साहब नमस्ते सत श्री अकाल वनकम कैसे हैं हालचाल ठीक बढ़िया काहे का बढ़िया आप कहाँ खिसक रही हैं? ए, मैं तो घर से खिसक रही थी मगर तू साइकिल में दूध लाते लाते ट्रक के सामने आके इस दुनिया से खिसक सकता है इसीलिए कहती हूँ मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की एजेंसी है अपना इंश्योरेंस करवा लो मैम साहब अठा अपनो वीमो करवाने को नहीं आया हूँ मैं हमारी रकम वसूल करने आया हूँ हमारे 970 रुपया बाकी है अरे 10 दिन हो गए मैंने 50 का नोट नहीं देखा तुम 970 रुपए की बात कर रहे हो मटकी बिब्बू नहीं तुम नहाने की बात कर रहे हो तुम लोग पैसा खा जाओगे क्या मैं जब आएगा तो चुका दूंगी हाँ पर क्या सुधी इंतजार करी 3 महीना तो थी गया अरे मारा तो 11 महीना हो गया 11 महीने हुए ना कोई 12 महीने का 1 साल तो नहीं हुआ फिर काहे को चिल्ला रहे हो जरा मेरी कड़की के साथ एडजस्ट कर लो लेकिन कब तक एडजस्ट करें एक काम करो अगले हफ्ते आके अपना कर्जा ले जाना ठीक है वैसे भी टाइम क्या हुआ 10:30 साढ़े दस दिखाओ
चलो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अरे अरे आज फिर चकमो दे दियो, फिर मुद्दू बनाए गए। गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो कालू? मैं तो ठीक हूँ, पर साहब बहुत गुस्से में हैं, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए। गुड मॉर्निंग सर। काहे का गुड मॉर्निंग सर? आपके इस बैड मूड को गुड मूड में जरा एडजस्ट कीजिए ना। जस्ट शट अप। चलिए, आपके शट अप को मैंने थैंक यू के साथ एडजस्ट किया। कहिए कैसे बुलाए मुझे? ये देखो, ये लेटर हेड ऑफिस से आया है। तुम्हारी पूरी करियर में तुमने सिर्फ 4 पॉलिसियां बनाई, जिसमें से 2 मारे गए। एक अपनी बीवी से तंग आकर बिजली के खंभे से लटक के मारा, और दूसरा लोकल ट्रेन से कूद गया। लेकिन सर, मैंने चलती ट्रेन से किसी को धक्का थोड़ी दिया था, और किसी को रस्से से बांध के खींचा था। वो दुनिया से बोर हो गए थे सर, इसलिए पलक भी एडजस्ट हो गए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुमने 40 लाख की पॉलिसियां नहीं बनाई, अपना कोटा पूरा नहीं किया, तो समझ लो तुम्हारी एजेंसी खत्म। बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। फिर झूठ बोल रही हो सर। जब नौकरी होगी तो पैसे होंगे, पैसे होंगे तो शादी होगी, जब पैसे नहीं होंगे तो शादी कहाँ से होगी सर, और जब शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे सर? ओफो, तुम बातें बहुत करती हो। काम करो, काम करो, 40 लाख का कोटा पूरा करना है। वो हो जाएगा सब, मैं करके दिखाऊंगा सर। आई सो आई प्रॉमिस, मैं बताऊं। बातें बनाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ वरना। सब परेशान क्यों होते हैं? छोटी मोटी मुश्किलों के साथ आप जरा मुस्कुरा के एडजस्ट कीजिए, आपकी लंबी जिंदगी एक छोटी सी दुनिया के साथ एडजस्ट हो जाएगी सर। जस्ट शट अप सर, मैं कुछ आपसे। एंड गेट आउट। सर मेरी बात तो। आउट। सर मेरी बात तो सुनिए। आउट, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आउट सर। छी, परेशानी के साथ कोई एडजस्ट ही नहीं करता, सबको अपने अपने पड़ी है। एक आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया, उसके मरने का किसी को दुख नहीं, कंपनी रो रही है क्योंकि पैसा देना पड़ रहा है, और घर वाले खुश। जो जी के नहीं दे पाया वो मरते मरते दे गया। आदमी की जान की तो किसी को परवाह ही नहीं है, ऐसे में कोई भला इंसान कैसे जिए, समझ में नहीं आता। अरे अरे अरे, गाड़ी चलाने की तमीज है आपको? हर कार वाला यही समझता है, ये सड़क उसकी बाप की जायदाद है, और पैदल चलने वाला बिल्कुल बेकार, कुछ लेके निकल जाओ भाई। ए देवी जी, अब बोलिएगा 105 मील की रफ्तार से, देखिएगा गगन की ओर, और चलिएगा ऐसे जैसे अल्फ्रेड पार्क में टहलने निकली आए तो माथा तो फूटेगा ही आपका। अरे अरे, कसूर कोई और करे, और इल्जाम किसी और पे, शराफत का जमाना ही नहीं रहा। आप चाहते क्या है मैम साहब, ये तो बोलिए, जुर्माना भर दें। जान का भी तो जुर्माना होता है। चलिए माफ किया आपको, लेकिन हमें घर तक छोड़िए, हमें घर जाना है। हाँ। ओहो, तो ऐसा बोलिए ना कि आपको लिफ्ट चाहिए, चलिए गाड़ी में बैठ जाइए, छोड़ देते हैं घर। आप शक्ल से तो आदमी शरीफ लगते हैं। और जब शरीफ है तो शरीफ ही लगेंगे ना। वो भी। कहाँ जाना है बोलिए? घंटा घर के पास। जी। वैसे आप काम क्या करते हैं? जान के क्या कीजिएगा? हाँ? अरे भाई, काम जानने से आदमी की नेचर के बारे में मालूम पड़ता है, उसके स्टेटस के बारे में जानकारी बढ़ती है, उसकी पॉलिसी के बारे में ज्ञान बढ़ता है। मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, आपने कभी अपना इंश्योरेंस किया है? और इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? अरे भाई, अभी आप गाड़ी चलाते चलाते मुझसे टकराने की जगह किसी ट्रक से टकरा जाते, तो आपकी गाड़ी के साथ साथ आपका भी कपड़ा हो जाता ना। भगवान ना करे कहीं कुछ हो जाता तो आपके घर वाले परेशान होते ना, होते ना? ये आपका मकान आ गया है, चलिए। घर तो आता ही रहेगा, लेकिन मैं तो आपके भले के लिए इंश्योरेंस की बात कर रही थी। चलिए उतरिए, यहाँ से आपका घर बहुत नजदीक है। वो उतरिए ना, हमारा मुखिया देख रही है। अरे कब मिलेगा पता तो बता के जाइए। कमाल का आदमी है, न पता बताया, न ठिकाना बताया, ना हाय किया, ना बाय किया, चला गया। अरे मुझे देखे तो गूंगे भी बोलते हैं, हेलो बेबी, स्वीटी, कॉल मी, मीट मी। लेकिन ये तो क्या बात है, कौन था वो? था कोई कार वाला। ओहो, लगता है आज तुम्हें कोई सरफिरा मिल ही गया। यार निशा, अजीब आदमी था, अनजान बन के मिला, मगर एक बात थी उसमें। अरे तुम्हारी इन बातों में कोई खतरनाक बात है? ऐसे कोई बात नहीं, मगर एक खास बात थी उसमें। हेलो। हाँ जी बोलिए। सुनिए शेखर बाबू है क्या? बोल कीजिए, मैं देखता हूँ। एक कमरे का तो घर है आपका, कहाँ देखिएगा? उनसे कहिए घबराने की बात नहीं है, लाल सिंह का फोन है, दीजिए।
क्या बात है? नमस्कार करते हैं जी। नमस्ते। देखिए मनोहर लाल जी के बेटे हैं छोटे, दूसरी क्लास में उनको परमिशन क्या बोल रहे हैं एडमिशन की जरूरत है तो करा दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो शर्मा जी को हमारा नाम ले दीजिएगा, हो जाएगा। ये अनाज मंडी के व्यापारी आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते जी। आइए आइए, क्या बात है? बोलो बोलो। हम व्यापारियों की इच्छा है कि आपका सम्मान करें। हमारा सम्मान करेंगे? हमसे जो काम है वो बोलिए, का है मुंह पे जूता मार रहे हैं। क्षमा चाहते हैं सरकार, अब आपसे क्या छुपाना है। पूरा व्यापारी वर्ग विक्रम बाबू और उनके भाई के कारनामों से परेशान है। हम चाहते हैं सरकार कि आप खुद चल के हम लोगों का दुखड़ा जरा सुन लें। ओहो, शॉर्टकट में बात कीजिए, हमारी मदद चाहिए। जी हाँ। तो डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? कहिए बोलो जी, क्या करना चाहिए? करना चाहिए। नमस्कार करते हैं हुजूर। हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आने के बाद हमसे पूछते हो कि हम अंदर आ सकते हैं? और जब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ओह लाल बादशाह जी। नमस्कार नमस्कार। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? टोपी वाले के सामने हमारे पांव पे गिरिएगा तो साहब नाराज हो जाएंगे, बिना वजह आपको अंदर कर देंगे, आप देखते रह जाइएगा। चलिए निकलिए निकलिए, जल्दी निकलिए यहां से। हाँ हुजूर। हाँ बोलो। क्या बात है हुजूर? बिक्की बाबू मंडी के जितना व्यापारी लोग हैं उनको बहुत दुख दे रहे हैं। एक तो उन लोगों का धंधा मंदा, ऊपर से आपके भाई साहब की हफ्ता वसूली। तो तुम मंडी वालों के वकील बनकर आए हो, उनके दलाल बनकर दलाली करने आए हो? दलाली नहीं सरकार, नमक हलाली करने आए हैं। गरीबों की बस्ती में, गरीबों की थाली में, गरीबों का नमक खा के गरीब बड़ा हुआ है, इसीलिए तो हमसे उनका दुखड़ा टॉलरेट नहीं होता। और एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है साहब, जवान दे दिए हैं। लाल सिंह जान दे देगा, जवान नहीं जाने देगा। ये बस्ती वालों को कहा है आप इतना टेंशन दे रहे हैं? आप उनको टेंशन दीजिएगा तो हमको टेंशन हो जाएगा, और हमको टेंशन हो जाएगा तो खामखा हम आपके डिपार्टमेंट को टेंशन दे देंगे, समझते हैं ना? तो तुम हमें चैलेंज करने आए हो, वो भी यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में। आपका पुलिस स्टेशन? आपका पुलिस स्टेशन कैसे हो गया? ये तो सरकारी है। देखिए हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जितना मंडी वाला है ये मेहनत के रास्ते पर चल रहा है, इनको चलने दीजिए। इनके रास्ते में रुकावट डालिएगा तो हम आपकी जिंदगी में रुकावट डाल देंगे। बहुत हो गया, समझते क्या तुम अपने आपको? कौन हो तुम? मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो? और हाँ, ये जो बादशाही का ताज तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो ना, इसे मैं यूं तिनको में बिखेर दूंगा। और तिनके से हमको एक शेर याद आ गया, जरा सुन लीजिए। हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, हमारे एक इशारे पर हवा भी रुख बदलती है, मेरे तिनके बिखेरे जो जहां में किसकी हस्ती है। पूछते हैं है? हमारे साथ दुश्मनी की बाजी खेलिएगा तो हाथ में पत्ता स्ट्रांग रखिएगा, स्ट्रांग। चलते हैं। मुझे बचा लो लाल बादशाह। हमारा मन तो करता है कि यहीं आपको जान से मार डाले, किंतु आपको मारकर हमको क्या मिलेगा? वैसे भी छोटे लोगों पर हाथ उठाना हमारी स्टाइल के खिलाफ है। और दयाल सिंह जी के जो पिटवा हैं उनसे जाकर कहिएगा कि दोबारा इस मंडी की तरफ आंख उठाकर देखा तो छाइन छोटा कर देंगे हम। और जितनी जल्दी फड़फड़ाते हुए आप दौड़ के यहां आए थे वैसे ही वापस दौड़ जाइए। चलिए। सारे के सारे भागे। वाओ। लाल बादशाह जिंदाबाद। लाल बादशाह जिंदाबाद। लाल बादशाह जिंदाबाद। लाल बादशाह जिंदाबाद। सरकार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जान बचा ली। जिंदाबाद। लाल बादशाह जिंदाबाद। लाल बादशाह।
बस 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 बस। वाह जनाब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, ना हाथ चलाए ना पाओ। आपकी बहादुरी ने कितनी समझदारी से गुंडों को पार लगा दिया। फैंटास्टिक। अगर वो मेरा क्लाइंट मर जाता तो मुझे भी मेरे लाइफ के साथ एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और देख थोड़ी ना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप सांस कब लेती हैं, बिना रुके बोलती चली जा रही हैं। वो इंश्योरेंस एजेंट हूँ ना, आदत पड़ गई है। चलिए ना चाय पीते हैं। आइए ना। और चलिए। आइए। सलाम लाल बादशाह। नमस्कार भाई साहब। बैठिए। वैसे तो ये होटल आपकी हैसियत से थोड़ी छोटी है, मगर इससे बड़ी होटल में जाने की हमारी हैसियत नहीं है, इसलिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सलाम साहब, हम क्या लाओ? एक चाय मलाई मार के। रोज की तरह एक चाय। इस होटल की सारी आइटम घटिया और बकवास है, हाँ लेकिन चाय उतनी टेस्टी और बढ़िया है, इसलिए मंगाई है एक चाय। कमाल करते हैं आप तो, आदमी दो और चाय एक। आधी आधी पिएंगे ना? देखिए, आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से नाम बढ़ता है, नाम से काम बढ़ता है, काम से दाम बढ़ता है, और दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब बोलते बहुत है आप। सो तो है, मगर क्या करे, इस दुनिया में बोले बगैर काम कहाँ चलता है। मगर जनाब मान गए आपको, आपने ना हाथ चलाए ना पैर, गुंडे आपको देखते मंडी से दुम दबा के भाग गए, और यहाँ देखिए जो भी आपको देखता है सलूट करता है। बहुत बड़े आदमी होंगे आप, टाटा बिरला तो होंगे। नीचे नीचे। धीरूभाई अंबानी और नीचे। अरे सिंघानिया तो होंगे ही ना। और थोड़ा नीचे जाइए ना। अरे नहीं नहीं जनाब, आप कहाँ इतने बड़े आदमी और इतना छोटा, पेप को बना रहे मुझे। गर्मा गर्म एक चाय मलाई मार के। ये तो लाल बादशाह लगता है। एक बात बताइए, ये आधा प्याली चाय पिला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं? देखिए, जब आदमी दो और प्याला एक हो। हाँ हाँ बोलिए हाँ, बोलिए। तो मैं कह रही थी कि जब आदमी दो और प्याला एक। हाँ हेलो, मैं विक्की बादशाह बोल रहा हूँ। हाँ तो आप कह रही थी कि जब प्याली दो और आदमी एक। जब प्याली एक और आदमी दो। हाँ, ओ, ओ, देखिए बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आप हमको, और समझने की कोशिश कीजिए, और थोड़ा बिजी हैं हम अभी, आप फुर्सत से फोन कीजिएगा तो आपको बोलने में मजा आएगा, हमको सुनने में। हाँ मुझे आज अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। और कहाँ से बोल रहे हैं? रॉयल फोर्ट। ठीक है आते हैं, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया, हमको जाना पड़ेगा। ज्यादा प्याला चाय पिलाए हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नो प्रॉब्लम, आप कब मिलेंगे फिर? हे, और नहीं मिलेंगे तो क्या कर लीजिएगा? अरे जनाब मिल भी जाएंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? हाँ भी ठीक है, ठीक है मिल लेंगे आप, चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आदमी के साथ तो मैं अपनी लाइफ भी एडजस्ट करने को तैयार हूँ। कहना चाहते हैं ये शहर देख रहे हो? हाँ सब तो देख रहे हैं। इस शहर का बादशाह कौन है? और यही पूछने के लिए इतना दूर से हमको बुलाया आपने? हमसे ज्यादा तो आपको मालूम है, खुदाई से पूछ लीजिए, और नहीं तो शहर के लोगों से पूछ लीजिए ना। बहुत बोलते हो, बोल लो, इसके बाद तुम्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ओ दिया, अब हम जो कहते हैं वो भी सुन लीजिए,
इस शहर में रहना है तो शरीफ बनकर रहिएगा, बेबस मासूम जनता को सताना छोड़ दीजिए। आप ईश्वर की कुंडली में जो 4-5 दिन आपके जीवन का बाकी है उसे प्यार से गुजारिए, नहीं तो ये जो आपका लाइफ लाइन है उस पर हम स्याही पोत देंगे। और दोबारा हमको ये तमंचा का धमकी मत दीजिएगा, एक गोली आप चलाएंगे तो 100 गोली आप पर चल जाएगा। अरे उसने हाथ चलाए ना पाओ, कुंडे गायब, वो आदमी नहीं करंट का करंट, जिसका झटका लगने से पहले ही दुश्मन गायब। तो किसकी बात कर रही है? वही अजनबी जिसमें बात थी, इस दिल को ऐसे ही दिलदार की तलाश थी। दिल की बात मत सुन, दिमाग से काम ले। वो तो मेरे दिलो दिमाग में छा गया है, उसका क्या स्टाइल, बात करने का अंदाज, अदाएं। मैंने तो उसके साथ वाइफ बनके लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है बस। तू सपने देखना छोड़ दे, लाइट बंद कर और सो जा। तू अंधेरा करने की बात कर रही है? जिंदगी में पहली बार तू उजाला आया है। चोरी हमका लागे रे।
कटारी रहम का लागे धनो हची चकरारी रहम का लागे हे प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी भोली भली मतवारी हमका लागे रे की इजाजत हो तो मैं अंदर आ सकता हूं। वकील साहब, इजाजत काहे मांग रहा है? आप ही का घर है, आइए ना। उस दिन अदालत में आपके खिलाफ लड़कर मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? काले कोट की कमाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? बैठिए बैठे ना। लाल बादशाह, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। मैं तुमसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूं, प्लीज मेरी हेल्प करो। अरे ये क्या कर रहे हैं? चलिए यहां बैठे बैठे यहां पर, और कोई देख लेगा तो छप जाएगा कि कानून लाल बादशाह के कदमों में बैठा है। बोलिए क्या बात है? कुछ रही ज्यादा मेरी बेटी को उठाकर ले गए हैं। मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है लाल बादशाह। देखिए यह काम तो पुलिस डिपार्टमेंट का है, अब वैसे भी कानून जो है वो आपके पहलू में आराम कर रहा है, उसे जगाता क्यों नहीं है? अदालत में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर मुझे माफ कर दो। माफ तो हम कर सकते हैं किंतु करेंगे नहीं। ऐसा मत करो लाल बादशाह, मेरी बेटी का क्या होगा? और शहर में कितना क्रिमिनल लोग आपका दोस्त है, उनसे मदद लीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जाइए। बस हो गया, चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। और चलिए ना। होम मिनिस्टर साहब, जिंदगी भर मैंने कानून की सेवा की है, कानून को अपना धर्म माना है, और आज मेरे साथ ही अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। आप कुछ भी कीजिए होम मिनिस्टर साहब, मेरी बेटी को बचाइए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरी बेटी को बचाइए वरना उसके बिना मैं तो। बेटी क्यों डैडी, आपको ताज्जुब हो रहा है कि मैं सही सलामत घर कैसे लौट आई? अरे वो तो तू आनी थी बेटी, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। कमिश्नर, मिनिस्टर, सीआईडी, सीबीआई, होम मिनिस्टर, सबकी कुर्सियां हिला डाली, इसलिए वो गुंडे तेरी परछाई को भी नहीं छू सके। ये सब मेरी करनी है बेटी, मेरी। आपकी करनी का फल मैं आज भुगतने वाली थी, वो तो ऐन वक्त पर एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। किसने? लाल बादशाह। पापा एक होटल है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि अब की बार हम इधर हैं और आप उधर। बोलिए ठीक कहते हैं कि नहीं? सलाम साहब। सलाम। क्या लाओ, आलू फ्राई, बैंगन फ्राई, भिंडी फ्राई, दाल फ्राई, आलू? एक चाय। एक चाय? हाँ, मलाई मार के रोज की तरह। हाँ,
समझ गया लाल बादशाह, समझ गया। सिर्फ चाय। और सुनिए, यहाँ का खाने का जितना आइटम है अब बहुत ही घटिया और बकवास, मगर यहाँ का चाय उतना ही टेस्टी और बढ़िया है, इसीलिए मंगवाया है एक चाय। लेकिन कमाल करते हैं आप, आदमी दो और चाय एक। और देखिए, आधी आधी चाय पीने से चाहत बढ़ती है, चाहत से दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती से पहचान बढ़ती है, पहचान से काम, काम से दाम, दाम से बिजनेस बढ़ता है। अब ये मत बोलिएगा कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो आप मेरी गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं? आप नहीं जानते एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की क्या इनकम होती है। कभी पर्स में पैसा हो 1000 रुपए, अगर ना हो तो 1 रुपए भी नहीं। ऊपर से मेरा बॉस रोज मुझे धमकी देता है कि इंश्योरेंस का कोटा टाइम ही पूरा नहीं किया तो मेरी एजेंसी कैंसिल कर देगा। कितना टेंशन, कितना प्रॉब्लम है और आप मुझे। अरे तो इतना दुखी और परेशान काहे हो रही हैं? कोटा पूरा करने में कितना रुपया लगेगा? 40 लाख। हाथ दीजिए, हथवा दीजिए ना, पेन लाइए। ठीक है, हम अपना पेन खुद यूज करें। चालीस लाख लाल सिंह के नाम हो गया कोटा पूरा आपका। ऐसे अब हमारा स्टाइल ही ऐसा है तो हम क्या करें? ये लीजिए सर, पूरे 40 लाख की इंश्योरेंस लाई हूँ। पूरे 40 लाख की एक इंश्योरेंस पॉलिसी? माय गॉड, ये ली? अरे मीना, जॉन, गोपाल, शीला, जल्दी आओ। अरे मिठाई लाओ, हार लाओ, किरण का मुंह मीठा करो। 40 लाख की पॉलिसी बनवा के लाइए किरण। वाह 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 वाह, क्या बात है, मान गए किरण, मान गए। अरे 100 सुनार की तो एक लोहार की, एक ही झटके में 40 लाख की एक पॉलिसी बनवा कर लाई। वाह वाह, क्या बात है, कोई बड़ा आदमी होगा? अरे हम छोटे मोटे आदमी से मिलते कहाँ हैं। आपने लाल सिंह का नाम सुना होगा, लाल सिंह उर्फ लाल बादशाह। लाल बादशाह की इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाई हो? अरे हम लोगों को मरवाना है क्या पागल? Congratulations, ma'am. अरे नहीं चाहिए, मिठाई हटाओ यार, बार वापस ले जाओ पागल। अरे शहर का हर गुंडा जिसका दुश्मन, पता नहीं जाने कब किसकी गोली का वो शिकार बन जाए, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बनवा कर लाती हो? तेरी एजेंसी कैंसिल कर देता हूँ अभी और इसी वक्त। आप क्या मेरी एजेंसी कैंसिल करवाएंगे? मैं आपकी कंपनी खुद कैंसिल कर देती हूँ। ये आदमी के घनचक्कर। घनचक्कर तो एक नंबर का आपका बॉस है। आप तो खूबसूरत है, गले में माला डाल के निकाल दिया। अब मूर्खता की भी लिमिट होती है। Yes, it was a great insult to me. इसलिए तो मैंने उसकी एजेंसी ही छोड़ दी। हाँ, वैसे जहाँ तक माला का सवाल है, एक नई माला अपने गले में एडजस्ट करने की ठान ली है मैंने। नई माला? इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन की माला है। मैंने वाइफ बनके तुम्हारे साथ लाइफ एडजस्ट करने की ठान ली है। हाँ। अरे अजीब फरवा टाइप की लड़की है आप। आपके ठान लेने से हम क्या मान जाएंगे? क्यों, क्या खराबी है मुझमें? मेरी नाक टेढ़ी है, मेरी आँख महंगी है, या फिर मेरे चाल में कुछ खराबी है? नहीं, आपका तो पूरा डिपार्टमेंट बहुत हाई क्वालिटी का है, मगर ये भरवाला का खांड आप हमारे साथ कहना चाह रही हैं? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यू आर वेरी स्वीट। एक बात कॉन्फिडेंशियली हम भी आपसे करना चाह रहे हैं। ये जो पीटर पीटर आप अंग्रेजी बोलते हैं, ये हमको भी बहुत अच्छी लगती है। फिर कर लो ना शादी, कर लो ना। I will walk in English, I will talk in English, I will dance in English. कर लो ना। और शादी ही करना होता तब तक चुप बैठे रहते। अभी तुम चुप रहो या शोर मचाओ, मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगी सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कुमारी रहूंगी। हाँ। ए देवी जी, ऐसा बोल के तो बहुत बड़ी समस्या में डाल दिया है आपने। इस समस्या का समाधान कौन ढूंढेगा? क्या बात है बेटे? माँ जी, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या? हाँ। कुछ पैसे वैसे चाहिए, मेरे पास 5-10 हजार रखे हुए। अब कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी, हम आपसे पैसा लेंगे क्या? तो किसी ने धमकी दी है क्या? कौन धमकी देगा हमको, धमकी से हम डरते हैं? तो फिर बात क्या है, अगर तू कुछ बताएगा नहीं तो मेरी समझ में कैसे आएगा? हाँ, ये भी बात ठीक है, लेकिन यही तो समस्या है, बताएं कैसे? आप क्या सोचेंगी, दुनिया क्या सोचेगी? अब मटर बहुत गंभीर है। कोई लड़की पसंद आ गई क्या? उसे हम पसंद आ गए हैं। अब वो हमसे मैरिज बनाना चाहती है तो हम क्या करें? मसाले लाले, अपना घर बसा ले। दूसरों के लिए बहुत जिया तू, अब थोड़ा अपने लिए जी ले। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मान लेते हैं। नमस्कार लाल बादशाह। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम कैसे हैं? और कैसे लग रहे हैं आप बोलिए? Absolutely fantastic. हाँ? Fabulous, terrific. हाँ बस हो गया। और चलते हैं, अपने पिताजी को हमारा नमस्कार बोल दीजिएगा। जी। Bye. Terrific. अरे वहाँ बल्लू कहाँ गया, देखा क्या? कौन है आप? यहाँ कहाँ खड़ी हैं? मुझे लाल बादशाह से मिलना है। और हमारा नाम लाल सिंह है, प्यार से सब लोग हमको लाल बादशाह बोलते हैं, बोलिए। अरे अरे ये क्या कर रही है? अरे ये रो कह रही है। अरे रोती कहाँ है, बोली ना। मैं बहुत संकट और परेशानी में हूँ। नारायण सिंह नाम के एक बदमाश ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। ना वो पैसा देता है ना ही जमीन देता है। आज उसने मेरे पति को धमकाया, अगर हमने कोई कानूनी कार्रवाई की तो मेरे पति को जान से मार डालेगा। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं कुछ हो गया तो आपके सामने भीख मांगती हूँ, मेरी मदद कीजिए। इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जाइए, आपका काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, हफ्ते भर में आपका काम हो जाएगा। जाइए जाइए, हो जाएगा। सुनिए, क्या नाम बताया आपने? नारायण सिंह। नमस्कार। तो तुम हो लाल बादशाह, बोलो क्या चाहते हो? अरे हमको क्या चाहिए, बस सीके त्रिपाठी जी की पत्नी है कमला देवी, हमको मिली थी, कह रही थी कि ये जो तबेले की जमीन है उस पर आप कब्जा किए हुए हैं, वो वापस मांग रही हैं। तो या तो जमीन का कागज दे दीजिए या पैसा वापस लौटा दीजिए, मैटर फिनिश कीजिए। तुम्हारे पहले वकालत करने भी बहुत आए थे, गोबर में दबाकर मार डाला। अरे लाल बादशाह, तुम तो भाड़े के चार पांच टट्टू को ले आओगे ना? अरे हमारे फैमिली में पूरे 65 मेंबर है, 65। साला एक एक लट मारेंगे ना तो तुम्हारी चिता यहीं की यहीं जल जाएगी। हमारे भांजे का नाम है विक्रम सिंह। हो गया आपका, तो सुनिए हम बोलते हैं, ये जो आपका भांजा है, क्या नाम बोले आप? विक्रम सिंह। हाँ विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह के कान में थोड़ा हमारी बात भी बोल दीजिएगा। आप दोनों मामा भांजा जो हैं, अब मिल करके जमीन के बारे में थोड़ा कॉन्फ्रेंस मीटिंग कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। 7 दिन का टाइम हम आपको देते हैं, 7 दिन आपका, 8वां हमारा। चलते हैं, नमस्कार। और चलिए बल्लू जी, वहां क्या खड़े खड़े हिल रहे हैं? बाबा जी माफ कर दीजिए, ये आदमी आपको जानता नहीं, बाबा जी माफ कर दीजिए। हट, भाग जा। विकी, विकी नीचे आ। अरे बंद करिए अपना सिगरेट का धुआं, बंद करिए। मामा क्यों परेशान हो रहे हो, क्या बात है? अरे जिस तबेले का दूध पिला पिला कर तेरे को इतना बड़ा किया, आज उसी तबेले को ताला मारने आ रहा है वो। कौन? लाल बादशाह बोलता है साला अपने आप को लाल बादशाह। कितने लाल पीले नीले घूमते रहते हैं, बादशाह तो मुंबई शहर का एक ही है, विक्की, विक्की बादशाह। थूक कर गया रे, वो तेरे नाम पर थूक कर गया, इसके पहले कि उसके हाथ तेरे मामा के तबेले पर पहुंचे। काट दे उसका हाथ, वरना हम दोनों की नाक कट जाएगी। क्या तक? फिक्र मत करो मामा, बोलो क्या पियोगे? खून पिला दे रे, खून। अरे विक्की, उस कमीने का खून पिला दे मुझे, तभी जाके तेरे मामा के इस दिल में ठंडक पहुंचेगी, समझा? जा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बोल दीजिएगा, काम हो जाएगा। को नहीं जो कहा था
वो कर दिया। मैं भी बस लाचार मजबूरों की तरह अपने स्वाग को मिटता हुआ देखती रही। उन लोगों ने मेरी मांग को छोड़ दी, मेरे स्वाग की चूड़ियां तोड़ दी, मैं विधवा हो गई। ये देखो मैं विधवा हो गई। ये सब क्या हो गया लाल बच्चा? देखिए हम आपका खोया हुआ सुहाग तो वापस नहीं लौटा सकते, लेकिन ये जो आपका आंसू है इससे हम उस ससुरे का इतिहास मिटा देंगे। चोंच देख रहा है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ससरे का गर्दन का गुठली हमारे हाथ में आ जाएगा। हट जाइए, हटिए। इसी ने आपका सिंदूर छीना था ना, आप इसका जिंदगी छीन लीजिए। मंगलसूत्र तोड़ा था आपका इसने, आप इसकी सांस तोड़ दीजिए और बता दीजिए दुनिया वालों को कि हिंदुस्तानी औरत पे जुर्म होता है तो वह कैसा रूप धारण करती है। क्यों मार रहे हो इन्हें? और सोच क्या रही है, खत्म कीजिए इसको, सजा लाल सिंह अपने माथे पर ले लेगा। लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं। लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो वारंट ही लाए होंगे।
वरना अगुरी उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं ना। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहे, वरना खून खराबा भी हो सकता है। अरे कैसा एसपी है यार, वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं? ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हथकड़ी, पहनाइए, चलिए। जो इस मां से अपने लाडले को छीन कर ले जाने की ताकत रखता हो, मां भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए मां, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके, कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए, अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। चिर स्पर्श करते बादशाह को खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। लाल बादशाह गिरफ्तार। देखा कैसा बेबस पंछी की तरह फड़फड़ा रहा है, कर ले अपनी दुश्मनी का हिसाब, निकाल ले अपनी भड़ास। मेरे मामा को मार डाला, जब्बर को भी मार दिया, जिसको जी में आएगा उसे मार दोगे? सारे शहर को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझता है तू? इन्हीं हाथों से मारा था ना मेरे मामा को, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है इसे, बादशाह, लाल बादशाह, सारे शहर का बादशाह, सिर्फ एक बादशाह इस शहर का,
विक्की बादशाह, मैं हूं शहर का बादशाह, मैं। आपकी इस बेवकूफी पर हमको एक शेर याद आ गया, इतना मेहनत कर रहे, थोड़ा ब्रेक लेकर के सुन लीजिए। तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, तुम्हारी बादशाह बनने की ख्वाहिश है ऐसी अलबेली, और जैसे राजा भोज बने कोई गंगू बेली। पढ़ा लिखा मालूम पड़ते हैं। अगर अपनी बाप की औलाद है तो तनिक हमारा हथवा खोल दीजिए, फिर देखिए तमाशा। हम जिस बाप की औलाद है उसका नाम हमें मालूम है, और अपने बाप के बाप का नाम भी हमें मालूम है, मगर तेरी क्या पहचान है, कौन है तू? ना बाप का पता, ना खानदान का ठिकाना, पता नहीं किस बदचलन आवारा औरत का बाप है तू। कभी जाकर अपनी मां से बाप का नाम पूछना, तब पता चल जाएगा तुझे तेरी असलियत का, असलियत का, असलियत का। हराम ज्यादा माँ को गाली देता है, हमारा खून का गाली देता है। वरना गोली मार दूंगा। चल, मां को गाली देता है और तुम हाथ में तमंचा रख करके मर्दानगी दिखाता है। अरे आओ दोस्त आओ, कैसे हो? कुछ ठीक नहीं है यार। तो क्या बात है, बैठो तो सही। क्या बात है यार, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम तो जानते हो ना हमारे मामा का खून हो गया, जितना पैसा खर्च होता कर, 25-50-1 करोड़ परवाह नहीं, जिस जिसको खरीदना खरीद ले, पर लाल बादशाह को हमारे मामा के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत ही होनी चाहिए। देख यार, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मेरे से ये काम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें गवाह चाहिए ना, ये है वो गवाह। ये कोर्ट में गीता कुरान और बाइबल पर हाथ रख कर कसम खाएंगे कि हम मौका वारदात पर मौजूद थे और हमारी आंखों के सामने लाल बादशाह ने नारायण सिंह का खून किया। ठीक है, कोशिश करते हैं। यार वकील, हमारे पास पैसा है, गवाह है, तुम्हारे पास कानूनी ताकत है, अब अगर इसके बावजूद भी लाल बादशाह कोर्ट से छूट जाता है ना, तो हम दोनों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है यार, तुम जैसा चाहते हो वैसे होगा, लाल बादशाह की कहानी इस शहर का इतिहास बन जाएगी। भाई, वकील को जितना पैसा चाहिए दे देना, काम हो जाएगा ना। अरे यार, तू इतना पैसा खर्च कर रहा है तो लाल बादशाह को तो क्या, मैं यमदूत को भी फांसी पर चढ़वा दूंगा। वाह डैडी वाह, जिस इंसान ने आपकी बेटी की इज्जत बचाई उसी इंसान की जिंदगी को मिटाने को तैयार हो गए आप। देखो बेटी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या जानते हैं आप, क्या जानते हैं आप? किसी के एहसान के बदले उसी की जिंदगी छीन लेना। होश में रहकर बात करो। होश तो आप खो चुके डैडी, दौलत की हवस में आकर। डैडी,
आपकी थप्पड़ की एक गूंज हमेशा मेरे कानों में किसी शहनाई की तरह गूंजती रहेगी। हक और ईमानदारी की कमाई की एक चुनरी भी मुझे दहेज में देकर मुझे विदा कर देंगे ना, तब भी मैं बहुत खुश रहूंगी। अगर आपकी ये पाप की कमाई मेरे बसने वाले घर गृहस्थी को उजाड़ के रख देगी, आग लगा देगी। हाँ सर, आप टेंशन मत लीजिए सर, ऐसे बाहर कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। ओके, अरे आओ वकील, लाल बादशाह के लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, यही खबर सुनाने आए हो ना? खुशखबरी ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अरे इसी तरह हमारा साथ देते रहोगे तो हम तुम्हारी जिंदगी बना देंगे। बनाना, मिटाना, मिटाकर बनाना, ये तो ऊपर वाले का खेल है जिसने ये दुनिया बनाई है, और हम उसकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। मैं लाल बादशाह की मौत नहीं, जिंदगी लेकर आया हूँ। ए वकील, हमारा नमक खाकर हमसे नमक हरामी? देश के नमक हरामों के साथ नमक हलाली बंद कर दी है मैंने। ए वकील के बच्चे, माइंड योर लैंग्वेज एसपी। ये रहा कोर्ट का ऑर्डर, लाल बादशाह की रिहाई के कागजात। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बंद करो ये सब, अगर तुम में से कोई एक भी आगे बढ़ा तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। भाइयों, कोर्ट ने लाल बादशाह की जमानत दी थी लेकिन इस ऑफिसर ने वो कागजात फाड़ दिए हैं। फायरिंग का ऑर्डर देने से आप क्या समझते हैं, लोग गोली चला देंगे? आपके अंदर का इंसान अगर मर गया है तो आप क्या समझते हैं कि साथ साथ इन लोगों का जमीर भी मर गया है? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। ये वर्दी और तमगा जो आप लगाए हैं, इसका कीमत ईमानदारी के बाजार में आप मिट्टी में मिला दिए हैं, समझते हैं? अब यहां गोली नहीं जूता चप्पल चलेगा, और आपके लिए समझदारी यह होगी कि आप भागने का इंतजाम कर लीजिए। चलिए भागिए, और भागिए ना। मारो इसको। हम तो ऐसी घटनाओं के साथ बचपन से जुड़े थे और जुड़े रहेंगे, इसमें डरना क्या है? मुझे डर लगता है कहीं। ओहो देवी जी, देखिए ये जो डर नाम का कांटा है ना, इसे आप अपने जिंदगी से निकाल कर फेंक दीजिए, वरना जिस दिन ये चुभेगा इंसान को बैठा देगा, मंदिर तक पहुंचने नहीं देगा। अगर तुम मेरी जान नहीं बचाते तो ये लोग न जाने क्या करते मेरे साथ। तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो मेरे लिए। कौन हो तुम बाबा, कहां से आए हो तुम, तुम्हारा ठिकाना क्या है बाबा? मेरे साथ चलोगे? चलोगे मेरे साथ? ये तुम क्या कह रहे हो विकी? बहुत चोटे लगे हैं अजीत को, उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है। कौन माई का लाल है जिसने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत की है? डैड परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए, मैं सब बताता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ बेटा। डैड
चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है। तुम्हारा दर्द तो जिस्मानी है, लेकिन इस दिल पर जो चोट लगी है उसे मैं ही जानता हूं। क्योंकि जिस ठाकुर दयाल सिंह के खौफ और दहशत से सारा शहर कांपता है, उसी का बेटा आज नामर्दों की तरह मार खाकर आ गया। लालत है, और तुम तो अपने आप को इस शहर का डॉन कहते हो ना? तुमने क्या किया? हम कुछ नहीं कर सके डैड, क्योंकि लाल बादशाह को खत्म करने से पहले हमें लाखों सिनों पर गोलियां चलानी होंगी। इसलिए कि आज सारे शहर की एक ही आवाज है, लाल बादशाह। ये तुम कह रहे हो? लगता है तुम्हारी रगों में जोश मारता हुआ ठाकुर दयाल सिंह का खून बर्फ बन गया है। काट फेंको हर उस जुबान को जिस पर लाल बादशाह का नाम आए। मैं लाल बादशाह को हैवानियत का वो नजारा दिखाऊंगा जिसे देखकर लोगों की रूह तक कांप उठेगी। दयाल सिंह के खानदान के साथ गद्दारी क्यों? मेरे जमीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। जमीर? तूने अंजाम की जरा भी परवाह नहीं की? वकील अंजाम पहले जानता है, कानून का पन्ना बाद में खुलता है। ठाकुर दयाल सिंह, तेरे केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। क्या मारा एसपी को लाल बादशाह ने? ये तो समाचार पत्र में आना। सुन, लाल बादशाह का घर यही है क्या? घर क्या, ये मोहल्ला पूरा शहर उनका है, और हम हैं उनके सेक्रेटरी बल्लू जी। अबे लाल बादशाह से जाकर कहो विक्रम सिंह के आदमी उसे मिलने आए हैं। मच्छर तेरे की, ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता, कहीं आपकी ऊंची आवाज उन्होंने सुन ली तो ये जबान जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगी। बल्लू जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पिता ठाकुर दयाल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ। और ठाकुर दयाल सिंह जी के जो दूठो बच्चा हैं, उनसे कहिए पहले उनसे जा करके मिले, या कुतिया के पिल्ले की तरह जो ऊट पटांग का हरकत करते रहते हैं, इससे बहुत परेशान है हम। बहुत हो गया दादागिरी उनका, उनको समझाइए कोटा पूरा हो गया उनका। जाइए जाइए, लाल बादशाह जी गुंडों से नहीं मिलना चाहते। ठहरिए बल्लू जी, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे, नहीं तो ससुरा समझेगा कि हम घबरा गए। आप चलिए, हम आते हैं। तुमने क्या? हट। लगता है डैड वो नहीं आएगा। हाँ ठीक कहते हैं, वैसे तो हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, उनका बाप कितना शानदार होगा, चल के थोड़ा पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। ये ठीक कहते हैं ना? टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैसे हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाना हो जाता है, आंख से आंख लड़ते ही जान निकल जाती है। हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है। वाकई बहुत जान है तुम्हारी इन आंखों में। हाँ, मगर इन आंखों में झांक कर मेरी जान में जान आ गई है। अगर पहले मिल गए होते ना तो हमारी जिंदगी ही बदल गई होती। देर आए दुरुस्त आए, लाइए मिलाइए हाथ। अरे भाई किस सोच में पड़ गए, हाथ मिलाओ, ये दोस्ती का हाथ है। इसीलिए तो सोच रहे हैं। देखिए दोस्ती करने में हमको बहुत टाइम लगता है,
हाँ दुश्मनी का हाथ हो तो हम अभी हाथ मिला लें। अरे जनाब, वक्त के बादशाहों के साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करते। जो वक्त और मुकद्दर का बादशाह हो उसके साथ दुश्मनी करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और उसके साथ दोस्ती करना बहुत बड़ी अकलमंदी की बात है। जिंदगी में पहली बार दयाल सिंह ठाकुर ने अपना दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है। पता इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल काय हो रहा है? ले लीजिए, हाथ मिला लेते हैं, ऐसी क्या बात। मैं अब तक घायल नहीं था, अब घायल हुआ हूं डैड, अब, और वो भी आपकी बुजदली की वजह से। वरना मुझे 5 साल का युद्ध है ये, आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। यह हार आपकी नहीं, यह हार हमारी। बाप हूं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। क्या इज्जत की बात कर रहे हो? ठहर जा। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको इज्जत का एहसास होता तो इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने बेटे को यूं जलील नहीं करते। हमारे कारनामों से सारा शहर कांपता है डैड, सारा शहर। और आज आपने हमें हमारी ही नजरों से गिरा दिया है, बहुत अफसोस की बात है। बेवकूफ हो, नादान हो तुम दोनों। जो बात मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो तो सुनो। नादान मत बनो रणवीर सिंह। अरे तुमने तो कुछ ही साल गुजारे हैं राजा साहब के साथ। मैंने तो तमाम उम्र उनके साथ गुजारी है। अरे छोड़ दो ये जनून वनून वफादारी का। हाँ, हम तीनों मिलकर इस सारे खजाने को बांट लेंगे। अकल से काम ले रणवीर सिंह, हमारी बात मान ले, सारी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी। रात के अंधेरे के साथ अपनी काली करतूतें भी दफन कर दो, मुझे बेईमानी और बेईमानों से सख्त नफरत है। रणवीर सिंह, देखो रणवीर सिंह, ईमानदारी और वफादारी जमाने की रफ्तार के साथ साथ दफन हो चुकी है। हर तरफ लूट मची हुई है। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, दौलत, दौलत और दौलत। आप चाहते हैं कि दौलत के लिए हम बिक जाएं, अपना जमीर बेच दें, बरसों से की हुई राजा साहब के साथ वफादारी का गला घोंटते हैं। रणवीर सिंह अपनी गर्दन काट कर आपके सामने रख देगा, पर ऐसा करेगा नहीं। आप दोनों कहीं और बताइए। मौत की आंधी को आज तक कोई नहीं रोक पाया रणवीर सिंह, तुम भी नहीं रोक पाओगे। रोकने को तो हम तुम्हारी रगों में उतर कर तुम्हारे खून की एक एक बूंद रोकते हैं, घूमती जमीन को रोक कर दौड़ता हुआ आसमान रोकते हैं, अपनी वफादारी के लिए सारा जहां रोकते हैं। अगर महाराज को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो हम तुम दोनों के सीने में मौत की कील ठोक देंगे। जगत सिंह, राठौर, कहां मर गए सबके सब? महाराज, तुम जी, मैं। सुल्तान भाई साहब, इतिहास इस बात का गवाह है, ताजो तख्त के लिए भाई ने भाई का खून बहाया है। आज से इस सारी रियासत के मालिक हम हैं। हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खात्मा कर दो इसका। अरे कुत्ते बेईमान, गद्दार, दोस्ती के नाम पे दबा तो रणवीर सिंह बाहर निकल। यह तुम्हारी मौत की लकीर है दयाल सिंह, इसे पार करने की कोशिश की तो तुम्हें दुनिया से पार कर दूंगा। Thank you.
तेरी आंखों में देख, तुझे तेरी लाश दिखाई देगी। खजाने की हवस ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया दयाल सिंह। मैं जानता हूं तूने राजा साहब का खजाना कहीं छुपा दिया है। तेरी मौत के बाद मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी लेकिन वो खजाना तो ढूंढ नहीं सकेगा। हाँ, तेरे जीते जी नहीं, तेरे मरने के बाद। राम से बचाना रावण, कृष्ण से बचाना कंस, मुझसे क्या बचेगा ठाकुर, तू और तेरा वंश। इतना खून खराबा होने के बाद भी मैं आज तक उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन आज लाल बादशाह को मिलने के बाद मुझे अंधेरों में रोशनी दिखाई देने लगी है। उसके बाप को तो मैंने मार दिया था, पर उसकी मां जरूर जिंदा होगी। अब तुम देखते जाओ मेरा खेल। बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो ठाकुर साहब। जी ठाकुर साहब मुबारक हो। हाँ जी, पहली बार आपको देखा है किसी का इंतजार करते हुए। केड़िया साहब, हम तो अपने काम में किसी लगन मुहूर्त का इंतजार नहीं करते, लेकिन कोई है ऐसा जिसने आज हमें इंतजार करने पे मजबूर कर दिया है। कौन है वो? लाल बादशाह। न तख्त है न ताज है, दिलों पे जिसका राज है, जमीन पे जिसके पांव, आसमां पे निगाह है, ये सबका लाडला है, ये लाल बादशाह है। हाँ लाल बादशाह है। कहिए बोलो जी, ठीक कहते हैं ना? बिल्कुल ठीक कहते हैं। और तो हिलते कहाँ हैं? कहिए लाल बादशाह जी, बहुत इंतजार करवाया आपने। तो मिस्टेक आपा ही का है ना जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ओह देखिए, इंतजार पे हमको इतना बढ़िया शेर याद आ गया है। जी इरशाद। हाँ, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन। उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, और द्वार जू में कर गए दो इंतजार में। अरे तो पढ़ा लिखा आदमी मालूम पड़ते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर बोला है साहब आपने। क्या वाह वाह कर रहे हैं डैड, ये तो बहुत पुराना शेर है। पता हमने कब कहा कि नया है, हम तो कह रहे हैं कि बहुत पुराना शेर। जाने दीजिए, बताइए आप क्या लेंगे, रम, बिस्की, बियर, शैंपेन? नहीं नहीं नहीं, शराब हम नहीं पियेंगे। और शराब पिला करके आप हमारा क्या करना चाहते हैं? ना शराब हम नहीं पिए, बहुत जल्दी चढ़ जाता है हमको। अरे भाई चढ़ने दो, शराब चढ़ने के लिए ही तो होती है, लो पियो। और देखिए दयाल सिंह जी, अब बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्या है कि शराब पीने से हमारा जो सिस्टम है वो ठीक है, ले लेते हैं। पीलो पीलो, आज की रात जश्न की रात, शराब का नशा, शबाब का जलवा, कौन दुश्मन कौन दोस्त, अरे कौन तुम कौन हम, भूल जाओ सब कुछ, पियो लाल बादशाह पियो। ठीक है पी लेता है।
sweet baby, sweet baby, sweet baby. You are so cute baby, oh baby. किसे उठवाने आया तू? डैड यही तो है लाल बादशाह की मां। नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लाल बादशाह की मां को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं, ये नहीं है लाल बादशाह की मां। हर मां के सीने में जीता है लाल बादशाह। हर गली हर चौराहे पे जाकर देख, हर मां की आंखों में नजर आएगा तुझे लाल बादशाह। खामोश, वरना हलक से जुबान खींच लूंगा। कहीं मेरा लल्ला आ गया ना तो तेरी खाल खींच लेगा। पूछ ले अपने बेटे से। उसके आने से पहले ही हम तुझे मिटा देंगे बुढ़िया। ओए हरामजादे, लाले। ए बुढ़िया किसको बोल रहे हैं आप? हैं? किसको बोल रहे हैं बुढ़िया? ये हमारी मां जी हैं। लाल सिंह के होते इनको हवा का झोंका नहीं लगने दिया, और आप इनको बेइज्जत कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप? दोस्ती का हाथ मिलाकर नाच गाना दिखाकर आप हमारी मां को उठवाकर ले जाएंगे और हम सीधा मुंह देखते रह जाएंगे? हमारा मन तो करता है कि आपको यही गाड़ कर आपका यह हवेली को शमशान घाट बना दें, पर ऐसा करेंगे नहीं। मां जी के दिल को दाग लग जाएगा कि इनके कारण इतना जिंदगी चिता का धुआं बन गया। तो सुन लीजिए आप, 7 दिन की मोहलत देते हैं हम आपको। जितना आपका तामझाम है दोनों पिटवा समेत लेकर के यहां से निकल जाइए। 7 दिन आपका, 8वां हमारा। नमस्कार करते हैं। आइए मां जी। सात दिन आपका, 8वां हमारा, 8वां हमारा, 8वां। लाल बादशाह,
तूने हमें 7 दिनों की मोहलत दी है, लेकिन हम तुझे सिर्फ 24 घंटों की मोहलत देते हैं। जीना चाहता है तो ये शहर छोड़कर भाग जा। 24 घंटे तेरे, 25वां हमारा। विक्की बादशाह, क्या बात है लाले? ये सब क्या है? और शहर छोड़कर जाने को बोल रहे हैं, नहीं मार देंगे। अब बोलिए, हमको मरना ही होता तो पहले ही गुजर गए होते। ये तो आपने इस लाल सिंह को लल्ला बनाकर अपने गले से लगा लिया है, वरना आपके आंचल की जगह हम मौत के आंचल से लिपट गए होते। चलिए छोड़िए इन बातों। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि अब तू जान चुका है कि मैं तेरी मां नहीं हूं। अरे कैसी बातें कर रही मां जी, हमारी सांस, हमारी धड़कन, हमारी जिंदगी, सब कुछ आप ही तो हैं। हमें कांटा चुभेगा तो आपको दर्द होगा, परेशानी हमें होगी तो लकीरें आपके माथे पर लग जाएंगी। इसीलिए कह रहे हैं चिंता छोड़ दीजिए, बस हमें इतना बता दीजिए कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है। ये तो मुझे भी नहीं मालूम, बस इतना जानती हूं, बहुत साल पहले एक औरत अंधेरी रात में तुझे मेरी गोद में छोड़कर चली गई। उसके बाद आज तक मैं उसे ढूंढती रही, मगर कहीं पता नहीं चला। अगर आप मुझे बेवजह मजबूर करेंगे तो मैं क्या करोगी? पुलिस में रिपोर्ट करोगी? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा से बस एक मुलाकात करवा दीजिए प्लीज। एक बार क्या, तुम्हारे पापा तुम्हें हमेशा के लिए मिल जाएंगे। बस हमारे वास्ते लाल बादशाह को अपने जाल में फंसाने के लिए जो कर रही हो करती रहो, ओके? गुड गर्ल। सात दिन आपका, आठवां हमारा। जीना चाहता है तो ये शहर छोड़कर भाग जा, छोड़कर भाग जा। 24 घंटे तेरे, 24 घंटे तेरे, 25वां हमारा। विक्की बादशाह, अच्छा चेक किया? यस डॉक्टर, बिल्कुल नॉर्मल है। हेलो, ये क्या कर रहे हैं आप? काफी खून दे चुके हैं, और खून देने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। हमारी जान पर जो खतरा था, सो इस देवी ने अपनी जान खतरे में डालकर टाल दिया। आप चिंता मत कीजिए, जितना खून निकलना है निकाल लीजिए। मगर लाल बादशाह, ओहो सुनिए हमारी बात, हम बोलते हैं। हमारे शरीर में जितना खून है, इसका एक एक बूंद इनका कर्जदार है। यह ना होती तो आज लाल सिंह भी ना होता, जानते हैं? क्या यह आपकी माँ है? पर जिंदगी बचाने वाली माँ ही तो होती है, और कोई होती है क्या? पर इन पर गोली चलाई किसने? Thank you.
आपके भाई ने एक बेकसूर माई को घायल करके इस दुनिया में जीने का अधिकार खो दिया है। लाल बादशाह, वर्दी छीन ली गई है लेकिन हरकत वही टोपी वालों जैसी करते हैं आप। ये क्या किया तूने बेवकूफ? लाल बादशाह की मां को मार दिया? बरसों से जिसकी मुझे तलाश थी उसी पर गोली चला दी तूने? उसके पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। हर उस दीवार को तोड़ दूंगा जो बिक्की बादशाह के रास्ते में आएगी। नासूर बन गया है वो मेरे लिए। नासूर तो तुम बन गए हो मेरे लिए। बचपन से आज तक उल्टे सीधे काम करते आ रहे हो। बेटी, दुश्मन से दुश्मनी करने की बजाय आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। शट अप बदतमीज, दफा हो जाए यहां से। राम नाम सत्य है, 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 ज्यादा नहीं तो दाढ़ी समेत तुम्हें 6 इंच छोटा कर दूंगा। नहीं नहीं, वो कोठारी फार्म हाउस गए हुए। मां की मौत का अफसोस हो रहा है ना? Thank you.
यह तमंचा था ना? क्या हराम साधे, क्या कह रहे हो तुम? विक्की को लाल बादशाह ने गोली मार दी? Come on.
बाबूजी उनके पास कैद है। हमारे बाबूजी? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरे पास इस बात का सबूत भी है। हाँ सर जी, सच बोल रही है सर जी। कहाँ है हमारे बाबूजी? हमारे बाबूजी कहाँ है? मैं बता सकती हूँ। किरण जी, हम अपनी जिंदगी की जंग लड़ने जा रहे हैं। अगर जिंदगी रही और हम लौट कर आ गए तो आपसे मिलना होगा लाल सिंह। ये सब क्या है? उनके बाबूजी को किसी ने कैद कर लिया है, उनके साथ सौदेबाजी की जा रही है। उन्हें कुछ हो गया तो? बलूजी प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। मैं खुद उनके साथ जाना चाहता था, उन्होंने ये कहकर रोक दिया कि माजी और आपका ख्याल कौन रखेगा। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, आपको तो पता होगा वो कहाँ है। तुम्हारी नौकरी पक्की ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की, बिल्कुल। एक बात बताओ, खाना वाना बनाने आता है? खाना तो आता है। चुप रहो जी, तो के पूछो हो? मैंने पूछा खाना पकाने आता है ना। खाना जो खावे मारी दाल, बदल जावे उकी चाल। वाह, मैं ऐसे बनाऊ कड़ी, हाथ में लग जाए हाथ कड़ी। वाह वाह वाह, जो खावे मारी रोटी, डट के खेले गोटी। चुप रहो जी। ओह क्या डायलॉग बोलती हो छमिया, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। अच्छा? तुम चलो मेरे साथ बम्बई, हीरोइन नंबर वन बना दूंगा। क्या बोला था? क्या बोला था? चुप रहो जी, तो के बोले हो? मैं पूछता हूँ ये चीज क्या है? मैं इनका गब्बर। चुप रहो जी, ये मेरे प्यारे प्यारे, बाकी आप समझ जाओ। अबे ओए, इसे भगा के लाया क्या लंगड़े? ये क्या कर रहा है? अरे इनको छेड़ना नहीं। नहीं चल 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 चल। कौन है तू? मैं नई नई काम वाली। ए छोरी, क्या नाम है तेरा? नाम पूछ के क्या करोगा, मारो काम देखो काम। इधर तो आ। क्या करो थे, कोई देख लेगा? देखने दे, के फर्क पड़ेगा? फर्क पड़े है, मारो पति मुझे छोड़ देगा, मैं जाऊं रात को फिर आऊंगी। हेलो मत, कुछ पता चला? आओ मेरे साथ जल्दी। इधर से। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग तो ठीक है, लेकिन तू है कौन? लो कर लो बात, ये चौकानो सारा हिंदुस्तान जाने, ये पूछे कौन? कौन यहाँ क्या कर रही है? मैं बावर्ची हूँ, खाना बनाती हूँ खाना। वो बाबूजी ने दाढ़ी वाले उनके लिए खाना पूछना है, वो कटे। उधर जाना मना है, छोटे ठाकुर का हुक्म है। लो कर लो बात, छोटे ठाकुर ने तो मनी अभी जिया है। अरे मैं अंधो हूँ, कुछ नजर कौन ही आ गए? अरे तय कपड़ा नहीं पहने, ये क्या है जी? ये मेरी मूछें हैं। है? अरे ये है कौन? ये मारो वो है, लेकिन थोड़े अंधे हैं। अंधा है जब तो ठीक है। इधर आ इधर आ इधर आ। ए मन्ने कटे ले जा रहा है। ये क्या कर रहा है? इन्हें छेड़ना नहीं, ऐसे गुस्सा आवे तो ऐसे करे है। राजपूत, राजपूत की लुगाई ने हाथ लगाया तो बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये हमारी पूछे देखी है? अरे अरे भाग ले, अरे भाग ले, अरे रे 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 राक्षस, भाग के कहाँ जा रही है? चल। अरे रे 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 रे, अरे रुक काका, काका जी, अरे काका जी को मैं नमस्कार कर लेता हूँ। काका जी थारे छोरी को बचा ले काका जी। अरे अरे रे 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 रे, तेरा भाग को बुलाता हूँ। लाल बादशाह, लाल बादशाह की महबूबा, अब बनोगी इस हवेली की रखेल। जब तक जियोगी तब तक लाल बादशाह की मोहब्बत के लिए तड़पती रहोगी। Oh, my God.
बच्चा को नहीं, मुझे याद करेगी। मिलने की तमन्ना लिए तुम मौत के मुंह में दौड़े चले आए हो, उस बाप से नहीं मिलोगे। कहाँ है बाबूजी? इतनी भी बेसब्री क्या है? आओ मेरे साथ। अपने बाप से।
गया बेटे। स्वाभिमान, मर्यादा, कुर्बानी, जबान, यही एक राजपूत की पूंजी है। मैंने इसे कभी लुटने नहीं दिया। तुम भी इस पर कभी आज मत आने देना बेटे, कभी आज मत आने देना। वाह, क्या नजारा है, इसी दिन का इंतजार था मुझे। बेटे से मिलकर अपनी बरसों की प्यास तो बुझा ली तुमने, अब शराफत से बता दो वो खजाना कहां है। फिर तुम्हारा वही सवाल और हमारा वही जवाब। रणवीर सिंह अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन फर्ज और वफादारी के साथ गद्दारी नहीं करेगा। फर्ज, वफादारी, क्या दिया वफादारी ने तुम्हें? बाप से बेटे को अलग कर दिया, पति से पत्नी को अलग कर दिया। अभी भी वक्त है, हमसे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती का हाथ मिला लो, तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी संवार दूंगा। ईमानदारी और वफादारी का चोला उतार कर फेंक दो। मूर्ख, सारी जिंदगी जिस खजाने के पीछे पड़ा है, मर जाएगा तो एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। खामोश, अपनी नसीहत बंद करो। उगलवाना हमें अच्छी तरह से आता है। जब बाप की खातिर बेटा तड़प कर यहां आ सकता है, तो बेटे की खातिर बाप भी सब कुछ उगल सकता है। ले चलो, बांधो इसे। अभी भी वक्त है रणवीर सिंह, शराफत से बता दे वो खजाना कहां है, वरना तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। किस काम आएगा उसके बाद तेरा वो खजाना? गरीबों का जो हक है, एक कमीने के हाथ मत आने दीजिएगा बाबूजी, हमारी जान जाती है तो जाए। रणवीर सिंह, अभी तक तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा था, लेकिन इस बार जो गोली चलेगी वो सीधी तेरे बेटे की खोपड़ी के पार होगी, समझे? बस बस कीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, मैं बताता हूं। नहीं बाबूजी, बाबूजी नहीं, मैं बताता हूं खजाना कहां है, मैं बताता हूं। वहीं मेरे साथ ले चलो इसे। बाबूजी, बाबूजी रुक जाइए। मुश्किलों से जो यहाँ डर जाते हैं, यूं समझ लो जीते जी मर जाते हैं। मुश्किलों से जो यहाँ डर जाते हैं, यूं समझ लो जीते जी मर जाते हैं। इम्तिहान तो जिंदगी का नाम है, हर कदम पे बस यही पैगाम है, यही पैगाम है। मेरा मुन्ना जब जवान हो जाएगा, you
बेटी ये खून कुछ नहीं बाबूजी। हमें छोड़कर दुश्मनों का साथ दिया, अब तुझे भी वैसे ही मारूंगा जिस तरह मैंने तेरे बाप को मारा था। गुड मॉर्निंग, सलाम, सत श्री अकाल। ए गुरदेव, पंजाबी बोल रही है? असी पंजाब से आगे। असी पंजाब तो अहे गुरदासपुर तो। हां ओए गुरदासपुर, वही तो मेरा ससुराल है। और मेरा ससुराल है पीएस गिल, ये उसकी बेटी है जी। अच्छा जीजा जी, जी। साडे लाए कोई काम होए तो सानू दसना। भरा जी, तुसी इतना जोखिम का काम करते हो, अपनी लाइफ इंश्योरेंस कितनी है? नहीं नहीं कितनी? चलो जी मेरा कार्ड। मरवा देंगे, कार्ड छोड़ दे। पंजाब के अट्टे कट्टे नौजवान है, इनको इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? जो बोले सोनिया सिंह, अभी तो बहुत हिसाब चुकाना बाकी। इसने मेरे पिताजी को मारा है, ये मेरा दुश्मन है, इसे तो मैं ही मारूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे बड़ी भूल है जो मैंने तेरे बाप को मारा। बस बस प्लीज मुझे मारना प्लीज, नहीं प्लीज। परिंदा चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान मार ले, पर कट जाने पे वो जमीन पे ही गिरता है। याद है? मुझे माफ कर दो रणवीर सिंह, मैं राजा साहब की जायदाद वापस कर दूंगा। मेरा बीता हुआ वक्त लौटा सकता है, मेरा गुजरा हुआ सुनहरा कल मुझे वापस दे सकता है, मेरी पत्नी मुझे वापस लौटा सकता है। Hey, got it, got it.
मतवारी हम काला गिरे।